गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शमशीर मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल MS Academy of Education पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में बात की थी और EMR के कुछ यूज समझे थे, उसमें हमने जानी थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, लेकिन आज हम बात करेंगे EMR के उन जादुई और चौंकाने वाले यूज की जो कभी कभी हमें कन्फ्यूज कर देते हैं। तो देखते हैं कि कैसे हम इनका यूज कर देते हैं और कैसे इनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको इनके रूल्स बता देता हूं ताकि आपको सेंटेंसेस बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि आखिर कैसे हम इनका प्रॉपर यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट इज एमआर। याद रखिए कि यदि हम इज एमआर के बाद टू का यूज करें, किसका यूज करें, टू का, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का, तो हमेशा इसकी मीनिंग होती है वाला है, वाली है, वाले हैं। मींस कोई व्यक्ति कोई काम करने वाला है, या कोई काम करने वाली है, या फिर कोई काम करने वाले हैं, या फिर मैं कोई काम करने वाला हूं। क्या याद रखना है आपको, यदि इज एम आर के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, इट मींस कि इसकी मीनिंग वाला है, वाली है, वाले हैं होंगी। और यदि आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं और आपको किसी सेंटेंस के लास्ट में वाला है, वाली है दिखाई देता है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट इज एम आर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टू रीच। रीच मीन्स पहुंचना, ही मीन्स वह। हमें पता है कि जब हम इज एम आर के बाद टू का यूज करते हैं तो इसकी मीनिंग होती है वाला है, तो वह पहुंचने वाला है। कहां, वहां, वह वहां पहुंचने वाला है। ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टू कम हियर, वह यहां आने वाला है। ही इज टू लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखने वाला है। ही इज टू गेट द ट्रेन, वो ट्रेन पकड़ने ही वाला है। ही इज टू बुक द टिकट, वो टिकट बुक करने ही वाला है। क्लियर। नेक्स्ट यूज, यदि इज एम आर के बाद हम थर्ड फॉर्म का यूज करें, यदि इज एम आर के बाद हम थर्ड फॉर्म का यूज करें, अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर हमने ऑब्जेक्ट का यूज क्यों किया है। हमने पहले ही बताया था इस बात को कि सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन लेता है, जो एक्शन लेता है मींस कोई काम करता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम होता है। तो जब कभी हम इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, उसमें कोई काम किया जाता है, वो काम किसने किया ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन काम किया जाता है और किस पर किया जाता है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं जिस पर काम हुआ, उसके बाद इज एम आर और फिर थर्ड फॉर्म, तो इसी की मीनिंग होती है कोई काम किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंग्लिश बोली जाती है। अब बताइए कि इस सेंटेंस में इंग्लिश कौन बोलता है। ऑब्वियस है कि पीपल ही बोलेंगे, बट इस सेंटेंस में ये बात क्लियर नहीं है कि इंग्लिश कौन बोलता है। इट मीन्स कि सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में लिखा ऑब्जेक्ट, क्योंकि जिसके ऊपर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इंग्लिश बोली जाती है, बताइए क्या बोला जाता है, इंग्लिश। इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, सबसे पहले इंग्लिश। कोई भी काम यदि किया जाता है तो हम क्या करते हैं, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है। सपोज कि मैं कहता हूं कि क्रिकेट खेला जाता है, तो क्या खेला जाता है, क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड। सपोज कि मैं कहता हूं कि पियानो बजाया जाता है, द पियानो इज प्लेड। मैं ये कहता हूं कि लोगों को टॉर्चर किया जाता है, टॉर्चर किसे किया जाता है, लोगों को, सो पीपल आर टॉर्चर्ड। जिसे टॉर्चर किया जाता है वो ऑब्जेक्ट है, सो पीपल आर टॉर्चर्ड। तो जब कभी भी कोई काम किया जाता है जिसकी पहचान हो सकती है, या जाता है, ई जाती है, ये जाते हैं, लेकिन आप बेसिकली याद रखिए कि जब भी कोई काम किया जाता है, किसने किया ये मायने नहीं रखता, तो हम इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज कि मैं कहता हूं लोगों को, लोगों की तारीफ की जाती है, बताइए तारीफ किसकी की जाती है, लोगों की, तो लोग ऑब्जेक्ट हुआ, पीपल तारीफ की जाती है। जब भी कोई काम किया जाता है तो हम इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, सो पीपल आर प्रेज्ड। नेक्स्ट यूज, यदि इज एम आर के बाद हम बीन का यूज कर लें और उसके साथ थर्ड फॉर्म का यूज कर लें,
इज एमआर के बाद बीइंग एंड देन थर्ड फॉर्म, इट मींस कि इसकी मीनिंग होती है कोई काम किया जा रहा है, मींस कि अभी कोई काम कंटिन्यू किया जा रहा है। कौन कर रहा है यहां भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काम किस पर किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहां भी हमने सबसे पहले क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, अब मुझे बताइए कि क्या पढ़ाया जा रहा है। इंग्लिश, इट मींस कि इंग्लिश ऑब्जेक्ट हुआ। सो इंग्लिश, कोई काम यदि किया जा रहा है उसके लिए हम यूज करते हैं इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ये रूल्स आपको समझने होंगे, समझने के साथ साथ याद भी रखने होंगे, लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, एज यू ऑल नो दैट देयर इज एन ओल्ड सेइंग प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आपको इनको याद रखने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो चुके होंगे और आप इनको इजीली लिखने और बोलने में यूज कर सकते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि जब कभी भी कोई काम किया जा रहा है तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट वही होता है जिसके ऊपर काम हो रहा है। उसके बाद हम इज एम आर लिखते हैं, फिर बीइंग एंड देन थर्ड फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, सो इंग्लिश इज बीइंग टॉट। आइए हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि हमें कितना समझ में आया, और कोशिश करते हैं मेरे से पहले आप अपने माइंड में ही इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि क्या आपको ये समझ आ चुका है। यदि आपको ये समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। वह उसे मारने ही वाला है। देखिए, हमने बात की थी जब किसी सेंटेंस के लास्ट में वाला है, वाली है, वाले हैं आता है, तो हम इज एम आर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको बनाते हैं। वह उसे मारने वाला है, वह सब्जेक्ट है, ही वाला है, इज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किल किसे मारने वाला है उसे। नेक्स्ट, ट्रेन आने ही वाली है। देखिए क्या आने वाला है, ट्रेन सब्जेक्ट, ट्रेन वाली है के लिए हम क्या यूज करेंगे, इज टू, आने के लिए कम, ट्रेन इज टू कम, या फिर हम यहां यूज कर सकते हैं अराइव। हम स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। देखिए, हम सब्जेक्ट है, वी वाले हैं के लिए हम के साथ वी के साथ आर का यूज करते हैं, आर टू, वी आर टू, क्या करने वाले हैं, हम पहुंचने वाले हैं, वर्ब का यूज होगा, वी आर टू रीच, कहां पहुंचने वाले हैं, दी स्टेशन, वी आर टू रीच दी स्टेशन। नेक्स्ट, गरीबों की मदद की जा रही है। अब देखिए आपकी इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा, की जा रही है। जब भी कोई काम किया जा रहा है, की जा रही है, तो हमेशा हम इज एम आर बींग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो बताइए कि मदद किसकी की जा रही है, गरीबों की, सबसे पहले आएगा पुअर्स, द पुअर आर बीइंग हेल्प। रूम को सजाया जा रहा है, सजाया किसको जा रहा है, रूम को, सबसे पहले हम यूज करेंगे रूम का। सजाया जा रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर है, किया जा रहा है, इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, सो रूम इज बीइंग, सजाने को थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड, रूम इज बीइंग डेकोरेटेड। उसे पीटा जा रहा है, बताइए किसे पीटा जा रहा है, उसे, यदि वो लड़का है तो ही का यूज करेंगे, लड़की है तो शी का यूज करेंगे, ऑब्वियस हम जानते हैं इस बारे में, ही पीटा जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है, इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, सो ही इज बीइंग बिटन, ही इज बीइंग बिटन। नेक्स्ट, तुम्हारी हर जगह तारीफ की जाती है। देखिए यहां था कि किया जा रहा है, अब है कि तारीफ की जाती है, और जब कोई काम किया जाता है तो हम सिर्फ यूज करते हैं इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म। तारीफ किसकी की जाती है, तुम्हारी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू की जाती है, आर थर्ड फॉर्म प्रेज, तारीफ को प्रेज बोलते हैं, यू आर प्रेज्ड, कहां तारीफ की जाती है, हर जगह, एवरी वेयर। अपराधियों को सजा दी जाती है, सजा दी जाती है, कोई काम किया जाता है, इट मींस इज एम आर के बाद हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम होता है, तो सजा किसको दी जाती है, अपराधियों को। सो कल्प्रिट्स
आर पनिश। लास्ट, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, बोला क्या जाता है? इंग्लिश। सॉरी, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंग्लिश बोली जाती है, कोई काम किया जाता है, इसे मार के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट आता है, हमें कैसे पता लगेगा ऑब्जेक्ट क्या है? जिसके ऊपर काम होगा वो ऑब्जेक्ट होता है। तो बोला क्या जाता है इस सेंटेंस में? इंग्लिश। सबसे पहले हमने इंग्लिश का यूज किया, कोई काम किया जाता है इसे मार के बाद थर्ड फॉर्म। इंग्लिश इज स्पोकन, कहां बोली जाती है? पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आशा करता हूं कि आप ये सभी सेंटेंसेस समझ गए होंगे, लेकिन मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस लिखकर भी कीजिए, बोलकर भी कीजिए, क्योंकि जब आप इसको बार बार लिखेंगे और बोलेंगे तो आप इसको इजीली समझ पाएंगे और इसको अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर पाएंगे। तब तक के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, लेकिन उससे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आगे की वीडियोस को भी एंजॉय कर सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस लाइफ, गुड डे।